गाइस, तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे हों और मज़े में हों। तो आज हमारा शूट का दूसरा दिन है और पहले दिन में ज़्यादा कुछ शूट हो नहीं पाया था क्योंकि चेतन हमारा जो कैमरामैन है उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो इस वजह से कुछ शूट नहीं हुआ था। तो अभी पीछे देख पा रहे होंगे आप, शूट चल रहा है और पूरी मेहनत से, और धूप भी माशाल्लाह बहुत तेज़ है। इस ट्रेन की पटरी पर हो रहा है शूट। बढ़िया 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 पूरा बढ़िया बढ़िया। 4 से 5 घंटे हो चुके हैं शूट को कंटिन्यू होते हुए। गर्मी बहुत है, आप जैसे कि देख पा रहे होंगे मेरे चेहरे पे, मतलब एक तो सूरज देवता की गर्मी और ऊपर से ट्रेन की पटरी की गर्मी, समझ ही सकते हो कि कितनी गर्मी लग रही है। और काफ़ी अच्छा शूट खींच रहा है अभी तक तो, और कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी शूट ख़त्म करें। चलिए दिखाता हूँ मैं आपको पास से जाकर के कैसा शूट चल रहा है और लोंडे कितनी मेहनत कर रहे हैं। कैसा हो रहा शूट? एकदम बढ़िया। और धूप से अपनी हालत ख़राब हो चुकी है सबकी, पूरी टीम को सबसे ज़्यादा भूख लग रही है पर किसी की हिम्मत नहीं हो रही है। खाना भी खाओगे? खिला दोगे तो यार बहुत मेहरबानी होगी। खाना खा के कौन जी रहा है? कल तो खाया ही था। हाँ यार, कल तो खाया ही था इसे, कल इतना बहुत सारा खाना खिलाया, अभी इसे भूख लग रही है। हाँ यार देखो, ये इंसान 15 दिनों में खाना खाता है। ये लड़के वहाँ पर रेडी हैं और यहाँ चेतन रेडी है। जैन साहब उधर कुछ बता रहे हैं लोंडो को कि ऐसा ऐसा करना है। एक 1.5 घंटा रेस्ट करने के बाद फिर दोबारा से शूट पे लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कल आना नहीं है, तो यहाँ का आज ही खत्म करके निकलेंगे। काफ़ी एंजॉय हो गया गाइस। तो आज है शूट का तीसरा दिन और सुबह के बज रहे हैं 10, और वो जो आप सामने देख रहे हैं उसमें चल रहा है शूट। और यहाँ पर हमारी गाड़ी खड़ी है और गाड़ी बहुत ही गंदी हालत में है, तो हम दिखा नहीं सकते, सॉरी। चलिए चलते हैं, कैसा कैसा चल रहा है शूट देखते हैं। और ये जैन भाई, आप कुछ बोलेंगे? दो वर्ड डिस्कवरी वाला के ले चलूं तुझे साउथ अफ्रीका के शहरों में। इनका हमेशा ऐसे ही रहता है। और ये तालिब भाई क्या लग रहे हैं भाई साहब, ऐसे बंदा। मैंने तालिब भाई कुछ बोलना चाहेंगे अपने करेक्टर को लेकर? दो बार अपने करेक्टर को लेकर ये बोलना चाहूंगा कि इस बार मैं दबाव मार रहा हूँ पूरी टीम पर। ये सच है, करेक्टर है वो एक बहादुर जिसने एक एक्सपेरिमेंट करा था, जिससे थोड़ा सारा टेस्ट अलग है। मगर तो गाइस अब मैं इसका हल खुद ही निकालूंगा, लैंडियो को साथ लेकर। अब इनकी जान भी बचानी है मुझे और खुद को भी बचना है और इस समस्या को भी खत्म करना है, समझो। बहुत जिम्मेदारी है। तो गाइस आपने सुन चुके हैं तालिब भाई का बयान, और ये हमारी शूट की लोकेशन है। यहाँ पे बहुत ही ओल्ड एज है सब कुछ, मतलब ऐसा हम चाह रहे हैं कि बहुत ही पुराने जमाने में जाना। तो गाइस आज का शूट जो है मेरा कंप्लीट हो चुका है और बाकी लोग शूट कर रहे हैं। मैं जा रहा हूं घर पर, क्योंकि मेरा रोज़ा है तो मैं घर पहुंच रहा हूं। अगले दिन मिलते हैं आप। आज है शूट का 5वां दिन, शूट होने वाला है खेतों में। ये गेहूं है और ये पीछे हमारे लड़के आते हुए बाकी के, और उधर चेतन नाजिम और चेतन डिसाइड कर रहे हैं। और यहाँ पर मेरा मन था अगर इस पे फूल आ रहे होते तो मैं गाना शूट करता स्लो मोशन में। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, ये वाला। और देखो ये वाला फूल देखो आप, ये सरसों है। शूट का छठा दिन, यहाँ पटरियों के कुछ सीन रह गए थे जो हमें दोबारा लेने आने पड़ा क्योंकि उस दिन क्वालिटी चली गई थी। आज फिर से यहाँ पर शूट चल रहा है, यहाँ पर कुछ ज़ॉम्बीज को निपटाया जा रहा है, तो उनके सीन ले रहे हैं। बार बार मेकअप करना पड़ रहा है क्योंकि ये मेकअप ऐसा है थोड़ी देर ही रुकता है, बाद में सूख जाता है तो बेकार लगता है, मतलब इसे टचअप देना पड़ता है बार बार, इसलिए एक एक सीन में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है यहाँ पर। और थोड़ी धूप ज़्यादा थी इसलिए हमने थोड़ा आफ्टरनून का इसका टाइम रखा, मतलब दोपहर के बाद का हमने यहाँ का शूट रखा। इससे पहले हमने थोड़े से जंगल के सीन किए थे जो आप वीडियो में देखोगे, जिसमें पुलिस वाला हमारे साथ ज्वाइन हो जाता है। हमने वाले सीन किए थे इससे पहले,
अब हम यहाँ पर ज़ॉम्बीज को निपटाने वाले सीन करेंगे। ये देखो उधर शूटिंग चल रही है गाइस। हम आ चुके हैं दोबारा दोपहर वाली तपकती धूप जैसी लोकेशन पे, जिसमें हमारी पूरी टीम की बहुत बुरी तरीके से गांड फट चुकी है। पर वीडियो दबा भी तो तुम ही रहे हो गांड, और गांड फटवाने की पूरी जिम्मेदारी हमने ली है। 16-16 रीटेक ले रहे हो ये रीटेक वाला सीन काट दिया, 16 रीटेक ले रहा है, गांड क्यों ना फटेगी सब वाला सीन कटवा दिए। ये क्या कह दिया तो गाइस आप सुन सकते हैं, इसे डिलीट कर दो तुरंत। मैं इनके सीन की प्रैक्टिस कराओ, यह कोड है ना, बंदूक नहीं है, ऐसी उंगलियों से प्रैक्टिस कर लो, कोड है ना। ध्यान भाई करके दिखाओ, दोनों गाने होने चाहिए ना, दोनों हाथों पर गाने तुम्हारे, मान लो ऐसे उल्टा खड़ा है ना भाई, लोंडे उल्टा खड़ा है। ध्यान भाई, ध्यान भाई, लो ये सीख लो ट्रेनर से, सिखाओ। ये जो तुम्हारे दो हाथों में बंदूक है, तुम्हें अपनी थोड़ी कमर को बैंड करना पड़ेगा। ये करके दिखाओ, करके दिखाओ जल्दी। ये देखो एक बार और करके दिखा दो, देख लो सीख लो। ये मुड़ना पड़ेगा तुम्हें, चलो रेडी, कमर तोड़नी पड़ेगी। चलो दोबारा ऐसे ना, बिना सीन देने मजा जो ना आता, बिना साउंड इफेक्ट के। अबे गाइस इनकी पटरी पे कार आ रही है, और जैन भाई का जो सीन है, जैन भाई वाला, जैन भाई तुम्हारा जो सीन है, उलाड़िया हाथ में इनके, ये पटरी हिल जाएगी तभी हमारे सीन से। ब्रो जैन भाई जल्दी से दे दो, पब्लिक वेट कर रही है। पंप हो गई, कट हो रही है, कितनी हो गई जैन भाई? नीटों से पंपिंग हो रही है भाई, बॉडी की सीन आ रहा है इनका, तो ये पंप कर रहे हैं बॉडी। ईट है ये, आप ये होली की शूटिंग पर आए हो? गाना कौन सा बजेगा? होली के दिन मिल जाते होली के रंग सभी को, हैप्पी होली जो ये ब्लॉग देख रहे हैं होली के टाइम पर। ये गुलाल से खेलो कच्चे वाले, गुजिया भी खानी है। क्या है पूरा कैरेक्टर बताओ अपना, क्या कैरेक्टर है? मेरा ये कैरेक्टर है कि मुझे यही नहीं पता कि मेरा कैरेक्टर क्या है, बस वर्दी पहना दी है। और बाद में मुझसे कहा गया था कि आपको सिर्फ वर्दी दे दी जाएगी, जैसा हम बोले वैसे वैसे करते रहना है। ये आपका कैरेक्टर है? ये मेरा कैरेक्टर है। थैंक यू, बहुत बढ़िया कैरेक्टर है तुम्हारा वसीम भाई, इसे तुम एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट कर लिया, जब तो शूट कर रहे हैं, दिल से रखो इसे, ये तुम्हारा कैरेक्टर। बहुत शूट चल रहा है, बहुत मेहनत करनी पड़ रही है शूट में, क्योंकि 2-3 घंटे तैयारी में निकल जाते हैं, ज़ॉम्बीज बनाने में लग जाते हैं। और मेरी गाड़ी आ चुकी है, और बाकी लड़के सब बाइकों से, एक इनोवा उधर खड़ी है, मेरी गाड़ी इधर आ गई है, और अब हम सीधा घर जा रहे हैं, नहाएंगे धोएंगे एंजॉय करेंगे। हाँ भाई हे गाइस, आज शूट का 8वां दिन है। आज हमारा सीन ऐसा चल रहा है कि हम मॉर्निंग में उठे हैं एक जगह पर, और ये जो लोग हैं अपनी फरमाइश से रख रहे हैं, ये देखो इधर ये शूट चल रहा है, उधर से कैमरामैन शूट कर रहा है, नाजिम वगैरह बैठे हैं, इधर वसीम भाई का सीन चल रहा है कि हमारे कुछ करेक्टर इधर खड़े हैं, ये जैन भाई इधर से सीन देख रहे हैं। इस लोकेशन पर शूट करके आपको कैसा लगा? मेरा सीन ही नहीं था, ये तो कुछ मैच नहीं है इसका। अच्छा, और जो टीम शूट कर रही है इस लोकेशन के बारे में? काफ़ी खूबसूरत लोकेशन है, यहाँ पर कुतुब मीनार देखने को मिलेगी, आप दिखाइए, और आपको यहाँ पर जंगल भी देखने को मिलेगा, काफ़ी भयानक जंगल है, यहाँ पर शेर चीते हैं, ये देखिए वो कितने शेर चीते हैं, इतनी दूर खड़े हैं वो खड़े हुए। तो ये जो माहौल है काफ़ी डरावना भी है, ऐसा लगता है साउथ अफ्रीका में आ गए हैं। अच्छा, इस लोकेशन के बारे में किसने बताया था? इस लोकेशन के बारे में हमें एक बंदा मिला था जिसका नाम राहिल था, बड़ा ही
बावला सा इंसान है वो, लेकिन लोकेशन उसने अच्छी ढूंढ दी हमें। थैंक यू सो मच राहिल, अगर आप ये देख रहे हैं तो। जैन सैफी, यस सर, वीडियो का शूट देखते हुए हमें लगता है कि ये वीडियो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट होगी। हाँ, ये ऑस्कर में जाएगी, पक्का जाएगी, काफ़ी अवार्ड मिलेंगे इसे। इसे एक अवार्ड मिलेगा खून का, क्योंकि इतना खून इंसान में नहीं होता जितना हमने निकाला। खून अवार्ड, खून अवार्ड, यस। ये कहाँ के लिए नॉमिनेट करना चाहोगे इस वीडियो के लिए? तुम्हें क्या लगता है कि ये वीडियो कहाँ होनी चाहिए? मेरे हिसाब से ये देखो, वीडियो असल मायने में ये होनी चाहिए हॉलीवुड में, सस्ती हॉलीवुड। ओके, रियल। अपना क्या कैरेक्टर है आपका इस वीडियो में? मेरा कैरेक्टर है एक ऐसे नाम के शख्स का जिसका नाम पीटर है। काफ़ी खतरनाक बंदा है वो। पीटर को जाना, तुमने क्या करता था पीटर? पीटर गाना, सॉरी, पीटर जो था उसका ये है कि उस पर एक एक्सपेरिमेंट हो चुका है गलत ढंग से, और वो अब जोम्बियों से नहीं डरता। उसके जोम्बी कुछ भी नहीं कर सकते, अफेक्ट नहीं कर सकते उसको। तो फर्स्ट टाइम हॉलीवुड को तुम टक्कर दे रहे हो, तो टीम का क्या रिएक्शन है? काफ़ी अच्छा रिएक्शन है टीम का। हम बहुत खुश हैं कि लियोनार्डो की एक्टिंग जो कर रहा है वो हमारे बीच में बंदा वसीम अहमद कर रहा है। सो टेक में एक बोलते हैं वो एक सीन, और ये रहे हमारे सस्ते मेन एक्टर, हॉलीवुड एक्टर कीनू रीव्स। ये देखिए कीनू रीव्स। तो ये मैं मान के चलता हूँ कि ये वीडियो जरूर हॉलीवुड को टक्कर देगी। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है जैन सैफी के कौन सा शूट है? इस जगह पर सीन है जैन सैफी का, जो कि है बाइक स्टंट का, और नाजिम का। नाजिम भाई कहाँ है? नाजिम भाई अपना फेस वॉश से मुंह धो रहे हैं साइड, ठीक है, और जैन सैफी उधर सीन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। दिख रहा है? नहीं दिख रहा। दिख रहा है। और तू मुझसे फेस वॉश मांग रहा था? नहीं भैया, मजाक कर रहा था। दे देते यार, मैं दूंगा भी नहीं, क्योंकि देख सूट से पहले और लास्ट में सूट के बाद तब मुंह धोना चाहिए। उसके बीच में मुंह धोते रहोगे ना, तो फिर तुम्हारे चेहरे पे फ्रेशनेस आएगी, फिर तुम क्या होगे, लाओ हमें दे दो, तो वो अच्छा नहीं लगेगा ना। हम कहाँ जाएंगे फिर? हमारा तुमने मुझे बेनिफिट और बता दी है कि फ्रेशनेस आएगी इसकी माँ का, जो मुझे अपने पहले मेरे को चाहिए। ये बढ़िया, वाकई में फ्रेशनेस आ गई। ये फर्जी जो भी बोला सब फर्जी, सब फेक 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 फेक, एवरीथिंग इज फेक। ये हमारा एडिटर है, जिसकी सैलरी कम होने की वजह से इसके लक्षण कुछ ऐसे हैं। क्यों लक्षण बिगड़ गए इसके? देखिए अभी आएंगे पास में ये। हर सीन में इतनी मेहनत लग रही है, एक छोटा सा सीन भी है ना तो उसमें भी इतनी मेहनत लग रही है कि बहुत ही ज्यादा मेहनत लग रही है। बेटे क्यों आए हो? क्यों आए हो बताओ, बताओ क्यों आए हो? किसकी वीडियो देखना है? लो भाई साहब, भाई साहब मेरे, हमारा भी ले लो। सब आ रहे हो पीछे, वो पीछे राजीव बसी, राजीव बसी। तो आज का जो शूट है वो है रामनगर में, और हम लोग पहुंच चुके हैं, और आज तारीख है, कितनी है भाई तारीख? तारीख 18 मार्च है आज, और रामनगर में है शूट। तो गाइज हम पहुंच चुके हैं रामनगर। आई मैया मेरी, तो एक गाड़ी हमारी आगे चली गई है और पीछे पीछे हम जा रहे हैं, और लड़के जो हैं सनरूफ का मज़ा ले रहे हैं। हम अभी लेंगे थोड़ी देर में, अभी लिया था मगर बहुत तेज ना, अभी नहीं,
बाद में बनाएंगे ब्लॉग। तो मिस्टर जैन सैपी, लोकेशन कैसी लगी आपको? अरे बहुत अच्छी लगी मुझे लोकेशन, काफ़ी सुंदर लोकेशन है। क्या नाम है इस गांव का? कुमरिया। कुमरिया, ये कुमरिया का पुल है। अच्छा, कुमरिया। एक सीन के लिए हो रही है इतनी मेहनत, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ये देखिए, कैमरामैन को कंधे पर उठाना पड़ रहा है, नाजिम को सीढ़ी पर उठाना पड़ रहा है। अलादीन वाली में कहाँ था इनका कुछ? अरे पीछे ना अलादीन में तुमने एंड करा, पीछे ना भाग एंड था तुम्हारा, पीछे ना भाग रहा हूँ। कौन सी वीडियो है? अलादीन, अलादीन में क्या नेगर फेंकता हुआ, ये गान वाले गान मार रहा सीन भाई। अरे कैमरा चल, दोबारा अगर तुम्हें मिला अलादीन का कैरेक्टर तो कैसे खराब करोगे? अब तो इससे भी ज्यादा बेहतर करूंगा, बोलिए बेहतर खराब करूंगा। जानता नहीं है मोंटी कौन है? तू जानता नहीं है मोंटी कौन है? मैंने तो चैटी ना करा था, 100 मिलियन पहुंच जाएगी। पहुंच जाएगी धीरे धीरे। दूसरे नंबर पर कौन? दूसरे नंबर पैरेलल है, सोले भी है, पैरेलल भी पैरेलल है, पैरेलल शायद सोले 50 प्लस है। हेलमेट पे चलान कब से कटने लगा? अरे यार, मतलब भैया कौन थे भैया? एक बार दो ड्रेस पहनो ना, अलग दिन का पार्ट टू लाओ भैया। नाम है क्या पार्ट टू? पार्ट टू लाइन 2021 सिर्फ साइंस पर है। 2021 यहाँ पे भी आ सकता हूँ मानना, तो ले लूँ एंट्री यहाँ पे। कौन सी थी वो अपनी? एक टाइम हॉरर हाउस विवादित वीडियो गाइस, उसका तो जिगर ना करें तो ही बेहतर। तो गाइस, आज था 16th डे ऑफ शूट। जैन भाई आवाज की बदल ले हुई, और यहाँ पर हमने जो शूट किया जैन भाई काफी टाइम है यार, आवाज की चेंज कर दे, ये वैसी लैंग्वेज में। और जो अभी सीन चल रहा है, अभी जो थे लोगे इसमें एंट्री है, मैं साहब ने काफी ये करा जैन भाई, हम बता दें आप तमीज से बोलते हो, बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हो। तो यहाँ पर जो शूट चल रहा है वो 16th डे का चल रहा है, वो काफी खतरनाक हमने शूट किया है आज। मैंने सुना था आपने और इसमें मेहताब के जो 4.5 करोड़ रुपए के कैमरे लगे पड़े हैं वो बहुत खतरनाक है। वो बेटे ये जो सीन है काफी भयंकर सीन है, इनका दिखाइए सीन, दिखाइए ये ज़ॉम्बीज़, दिखाइए ज़ॉम्बीज़ को, दिखाइए ये कैसे गिरेंगे इनको, दिखाइए ये कैसे हमारी चालू है यार, डीजल फूक रही है आज, जाओ करते हैं रेडी। ज़ॉम्बीज कैसे गिरते हैं आपको हम दिखाएंगे, थोड़ा जूम दिखाओ। हाँ बहुत अच्छा, नहीं जूम आउट, बहुत बड़े, ओए होए होए होए, गजब कर दिया। ये बीच में कौन आ गया था? सुअर जैसी शक्ल का, इन्होंने सीन खराब कर दिया है पूरा हमारे दरोगा दलाल ने। कोई बात नहीं गाइस, मिलते हैं कल को, बाय बाय। जिंदगी जुआ है, जुए से पैसे कमाने दे, म्यूजिक बनाने दे, म्यूजिक बना के आग लगा, मत मेरी एक्शन। हाँ जुआ है, जुए से पैसे कमाने दे, म्यूजिक बनाने दे, टुक टुक नहीं खेलूंगा, सीधा छक्का लगाने दे। हाय गर्मी, म्यूजिक कहाँ से लाओ? हाय गर्मी, ये तो मेरी है। नाजिम जो है जैन की टी शर्ट पहन रहा है, और नाजिम पहनना है, उसने गंदी करी तो वो उसकी टी शर्ट गंदी कर रहा है, वो टी शर्ट गंदी कर रहा है। हाँ, और ये फोन के कवर साफ करने के लिए हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है।
मेरी जो इनोवा जो है राउंड इनोवा है वॉशिंग पाई है जल्दी से जाओ। अरे वो भी काम हो जाएगा ना, और ये गाइस फाइनली आज शूट कंप्लीट हो चुका है और वीडियो आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी और अपनी कमेंट जरूर और गंदी करें जल्दी अपनी राय जरूर देना कि वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी।